छोटी मालकिन, आपने मुझे बुलाया। ससाल, कल ना हमारा साइंस का एग्जाम है और मेरे पास नोट्स ही नहीं है। मैंने ना अपने दोस्त के घर पे जाना है नोट्स लेने के लिए, नहीं गई तो फेल हो जाऊंगी। पर छोटी मालकिन, आज कैसे जा सकती है? आज तो लड़के वाले आ रहे हैं ना, आप कल नहीं जा सकती के? इम्तिहान कल है रसाल, तो अगर कल नोट्स लेने जाऊंगी पढ़ाई कब करूंगी बेवकूफ। आज ही जाना पड़ेगा ना नोट्स लेने के लिए। इसलिए मेरी पास हूँ, माँ बापू ने ना मेरी एक ना सुनी, इम्तिहान की एक दिन पहले लड़की वालों को बुला लिया। अब मैं क्या करूँ, सिर्फ एक घंटे की बात है। अगर उस एक घंटे के लिए तू हमारे कमरे में हमारी जगह पे बैठेगी ना, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि मैं बैठी हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो बैठ जाना, मैं चलती हूँ, ठीक है? अब भी आई मैं ना छोटी मालकिन, अगर बड़ी मालकिन को पता चल गया तो सारी की सारी पिचकी हो जाएगी, उनके गुस्से का ज्वालामुखी मेरे ऊपर आ फटेगा। मैं ना रह सकती इस कमरे में, आप किसी और ने ढूंढ लो। रसाल, जो तेने सारी पढ़ाई लिखाई की है ना, इसका एहसान हमारे माँ बापू का है तुझ पे, और तू उनकी बेटी की पढ़ाई पर रोक लगाएगी, ये शोभा ना देता है तुझे। देख, मैंने भी चिंता है हमारी माँ की, और इसलिए मैं चाहती हूँ तू यहाँ पे बैठ जा, ताकि किसी को कोई शक ना हो। सिर्फ थोड़ी देर की बात है रसाल, प्लीज मेरी बात मान ले, ठीक है? मैं जा रही हूँ। कोई और दिन होता ना तो मैं आपके लिए खतरा मोड़ लेती, पर अगर बड़ी मालकिन जान गई तो मारी जान गई। ना 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 ना, आप आज कहीं ना जा सकती, कुछ ऊंच नीच हो गई तो थारे पे और मारे पे कहर टूट पड़ेगा। ना 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 ना, ना आप ना जा सकती। छोटी मालकिन, साल छोटी मालकिन, एक घंटे रख ली। छोटी मालकिन, मत जाइए हमें छोड़ के, आप भीतर आइए, आज मत जाइए। छोटी मालकिन, माताजी महाराज, ये छोटी मालकिन ने क्या कर दिया? वहाँ लड़के वाले आते ही होंगे, अगर छोटी मालकिन समय पे ना आए तो तूफान आ जाएगा, और ये तो वो कांड है जिसके लिए बड़ी मालकिन मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। पधारो। जय माताजी की सा। जय माता जी। रतन राणा साहब, आओ भगत तो कोई आपके परिवार से सीखे। क्यों? अरे भाई, बिटिया कहाँ है, उसे भी बुला लीजिए। हुकुम, आप पहले आराम से बिराजिए, जलपान ग्रहण कीजिए, हम बुलाते हैं बिटिया को। बुला रही हूँ। जी अभी ना। बेटा नीचे लड़के वाले आए हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खोल बेटा। लाडो, अरे ये बाहर से कड़ी किसने लगा दी? अरे अंदर से भी बंद है। लाडो, दरवाजा खोल बेटा, अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया? दरवाजा खोल ले बेटा। और बेटा, काम धंधो सब ठीक चल रहा है? शिवराज, जा नीचे जाके अपनी छोटी मालकिन के लिया।
देख सब लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जा क्या करूं? कनक देख ले, आज के दिन मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। नीचे लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोल वरना दरवाजा तोड़वा दूंगी मैं। हे माता जी महाराज, आज तो मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। यहाँ छोटी मालकिन लौट के नहीं आई और बड़ी मालकिन दरवाजे पे है। मैं यहाँ अंदर फंसी हुई हूँ और लड़के वाले नीचे हैं। आज तो मुझे लगता है मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया जाएगा। शिवराज जी मालकिन, दरवाजा तोड़ दे। तू गई आज। थारी नौटंकियों का कोई अंत ना है। तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। थारी से तो मैं बाद में निपटूंगी। अभी नीचे लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। चल। पत्थर पड़े या आग लगे, भूचाल आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तू घूंघट ना खोलेगी रसाल और ना एक शब्द फूटेगी। गांठ बांध ले वरना बड़ी मालकिन ना तुझे पेड़ से बांध के उल्टा लटका देगी। दिन रात इतनी जल्दी ना बदले हैं जितनी जल्दी थारो मन। अभी नीचे इतना बवाल किया कि दरवाजा तोड़ के निकालना पड़ा और अब गाय जैसी सीधी बन के चल रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भूखा गया है तन्ने। और ये क्या, ये लंबा घूंघट क्यों काट के बैठी? तुझे लड़के वाले देखने आए हैं, तेरी मुंह दिखाई थोड़ी ना हो रही है। अरे भाई पूर्णिमा जी, कनक जल्दी आओ, सब थारा अठे इंतजार कर रहा है। तो जी हमारी बिटिया कनक। बोला ना भाई साहब, कोई मतलब नहीं था हमारा। हर वक्त मतलब ना होवे किसी की मदद करने का, और की भी तो इसलिए क्योंकि मने लगा कि रसाल जैसे अनाथ के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है, बस इसलिए माफी दिलवा दी। कनक मारे से झूठ बोलने की जरूरत ना है, मारी बहन है। अरे ध्यान है कि तू रेत से भी तेल निकालना अच्छे से जाने है, और ऐसी सख्त जान इतनी आसानी से पिघल जाए ये हो नहीं सकता। सच बता मने, क्या कारण रहा? इतना अच्छा मौका था उन दोनों को घर से लात मार के बाहर निकालने का, क्यों नहीं किया तूने? कनक मेरी बात सुन, कीड़े मकोड़े कचरे के ढेर में अच्छे लगे हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में नहीं, समझी? और थारी बेवकूफी के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, समझी? चोरे जवान को ज्यादा ही चलने लग गई है तेरी आजकल। जिन्हें इन हवेली से बाहर फेंकने की बात कर रहा है ना, आज उन्हीं की वजह से इस हवेली से लेकर खेत तक सब आज भी हमारे हाथों में है। तेरे भरोसे रहता ना तो कब के ताम तूमड़े बिक चुके होते। और जय बेटा एक बात बता, आज तक अपने बाप के कंधों के बोझ को हल्का करने के लिए तेरा क्या योगदान रहा है? घूमा फिरा, आवारा गर्दी करी, नए नए धंधों में पैसे बिगाड़े, दोस्तों को खुश किया, लेकिन करके कुछ नहीं दिखाया तूने। शुक्र मना कि सही समय पर तेरी बहन में सद्बुद्धि आ गई, तो आज ये हवेली उन दो नगीनों को खोने से बच गई जो दिन रात निस्वार्थ भाव से इस खानदान की सेवा करते हैं।
बदन की ऐठन तो मिट जाएगी, मगर इस दिल का क्या करूं? इसकी ऐठन कैसे जाएगी? बार बार उमड़ती रहे, इसका इलाज करने वाला कोई ना आ रहा। रुक, एक बात हमारी समझ नहीं आ रही। हमेशा रसाल को कुएं में धकेलने के लिए तैयार कणाक, कल चीची से उसने माफी क्यों दिलवाई? अरे यह मामला हमारी समझ नहीं आ रहा। शिवा, देख तो, मारी कमर बहुत दुख रही है। बदन को भट्टे की तरह तप रहे हो मारो। इस अशरफ के भी हाथ टूट गए, मारी कमर दबाते दबाते। थारा कड़क और फौलाद जैसा हाथ से मारी कमर दबा दे तो मारे भी आराम आ जाए और इसकी भी जान छूट जाए। के हो गया शिवा? राणा जी को दिया हुआ वचन भूल गया के? कि इस हवेली के सब लोगों की काम करेगा तू, कभी ना ना कहेगा। चल मारी कमर और पीठ दबा दे। थोड़ा नीचे, किसा काट जैसा कड़क हाथ तेरे, तेरा शिवा। जहाँ जहाँ तू हाथ लगा रहा है ना, वहां का दर्द एकदम छूमंतर हो गया रे। आहिस्ता शिवा, कहीं और भी दर्द है तो बता दो मौसी, दबा देती हूँ। शिवा कहाँ है? राणा बापूसा ने उन्हें बुलाया तो वो चले गए, लेकिन मैं हूँ ना, जो काम भाईसा कर सके है वो मैं भी कर सकूँ हूँ। तो बताओ कहाँ कहाँ दर्द है? सारो दर्द मिट गयो, चल जाओ यहाँ से। मछली में कांटे की तरह हमेशा शिवा और मारा बीच में आ जाए। इस कांटे को निकाल बाहर ना फेंका ना मैंने तो फिर ना मेरा नाम नहीं। आज कितना बड़ा तूफान आया ना, फिर भी माताजी महाराज ने हम दोनों को इतनी मुश्किलों के बाद अलग ना होने दिया, कस के बांध के रखा, हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। मन्ने माफ कर दे रशु, अरे बात का भरोसा ना करने का नतीजा एक बार देख चुका हूं मैं, फिर भी आज सबकी तरह मैंने भी तारी बात का भरोसा दोबारा सड़ा होगा। नहीं नहीं भाई साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत ना आए, मैं समझती हूँ। पर ये तूफान, उस तूफान के सामने कुछ ना है जिसने हमसे हमारे मासा और बापूसा को छीन लिया। उस तूफान में मैं कभी ना भूलूंगा। बापूसा के पैर पड़ता हूँ।
छोड़ दो, हाँ छोड़ दो ना मारे बाबू जाने। बल्कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मारी सबसे बड़ी दुश्मन चकोरी मारे सामने होगी। चलो खाना खाते। अच्छा एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।